गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप सब कैसे हैं? एंड गाइज आपका न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। एंड गाइज फर्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ फर्स्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है गाइज डायनामो भाई की तरफ से। एंड गाइज आपको जैसे पता ही है कि अभी हाइड्रा लाइनअप नहीं है। एंड गाइज हाइड्रा लाइनअप के रिलेटेड बात करते हुए गाइज डायनामो भाई ने क्या कहा। एंड गाइज हाइड्रा लाइनअप आने वाली है, तो गाइज उस चीज़ से बात करते हुए डायनामो भाई ने क्या कहा, पूरा वीडियो देखें। एंड देखने से पहले गाइज प्लीज़ 1K सब्सक्राइबर करवा दीजिए। आपका सपोर्ट, 1 लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज में बहुत मोटिवेशन देता है। गाइज प्लीज़ करवा देना। एंड गाइज देखिए वीडियो। सेकेंड अनाउंसमेंट, अब आते थर्ड अनाउंसमेंट में। बहुत जल्दी हमें आई थिंक सो 2 से 3 क्रिएटर ज्वाइन करने वाले हैं हाइड्रा को बहुत जल्दी, जिसमें से कुछ क्रिएटर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ क्रिएटर्स काफ़ी ग्रोइंग स्टेज पे हैं। तो या हाइड्रा की लाइनअप अभी पता चली नहीं है। मैंने जो कल आपसे बोला था कि मैं 7C वालों से पूछूंगा, तो मैंने उनसे पूछा, उनका जवाब ये था कि 7C में नहीं है अभी, ये पक्का है। हाइड्रा में है या नहीं ये पक्का नहीं है। सो उन्होंने ज़्यादा तो बताया नहीं, उन्होंने बस इतना बताया मुझे के 7C के से जो रिश्ता है वो टूट गया है, नई टीम से रिश्ता जुड़ेगा। सुनो भाई, हाइड्रा लाइनअप्स के लीक देने वाले थे यार, मैं कह रहा था मैंने कल पूछूंगा और मैंने पूछा भी सही। वो बस यही कह रहे थे कि हम हाइड्रा में नहीं है, 7C में है या नहीं है, सॉरी हम 7C में नहीं है, हाइड्रा में है या नहीं है ये हम आपको नहीं बता सकते, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। तो वो भी इंतज़ार कर रहे, आई थिंक नेगोशिएशंस जो होते हैं ना वो चल रहे हैं। एंड नेगोशिएशंस एक बार ख़त्म हो जाए तो आपको पता चले कि कौन सी टीम में कौन सा प्लेयर है। भाई लीक तो दे दिया आपने हाइड्रा लाइनअप का, भाई अभी चल रहा होगा निगोशिएशंस, अभी मुझे नहीं पता भाई वो हाइड्रा में है। डायनामो कंफर्म हाइड्रा इन BGS, भाई दैट इज़ फॉर श्योर होने वाला है। मैंने जितना डायनो भाई से बात करी, उन्होंने बोला था मुझे कि BGS के अनाउंसमेंट आते ही हाइड्रा लाइनअप भी आ जाएगी। X7C ने बताया गाइस न्यू बूट कैंप के बारे में, जो कि हाइड्रा के मेंबर हैं। एंड गाइस बूट कैंप आने वाला है, नहीं गाइस उस चीज पे बात करते हुए एंड हाइड्रा लाइनअप के बारे में बताते हुए गाइस क्या कहे, पूरा वीडियो देखते हैं। सुपर एक्साइटेड हूं गाइस, अभी बहुत सारी चीजें आने वाली है, जैसे कि लाइनअप आएगा तो बहुत सारी चीजें, आई होप फिंगर्स क्रॉस जल्दी जल्दी आ जाए एंड हम लोग सब मिलकर बहुत सारा मजे करें, बहुत सारा कॉन्टेंट बनाए, बहुत सारा फन करें। अब उतना बकलोली उतना बकवास होगा नहीं, सो हम आराम से कॉन्टेंट बना सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, स्ट्रीम्स कर सकते हैं फुल ऑन। सो कुछ टाइम की बात है भाई, बहुत सारी चीजें होने वाले हैं। हाइड्रा रॉकेट फुल ऊपर जाएगा गाइस, फुल ऊपर। सात समुंदर पार में तेरे, क्रिस पटेल पीछे नहीं आया ब्रो, नहीं आया सात समुंदर पार, पीछे नहीं आ रहे हम गाइस। अब क्या आप भाई अपना बूट कैंप, अरे रे रे लसन, कोई बूट कैंप की बातें हमने नहीं की है गाइस, नो बूट कैंप थिंग्स। अब भाई लाइनअप है तो कुछ तो, जब लाइनअप आएगा तो यार मतलब तुम वो नहीं होगे गाइस, क्या कहते हैं उसको, दुखी नहीं होगे गाइस। T1 अंडरडॉग वाला तो कोई सीन ही नहीं है, इस बार अंडरडॉग वाला कोई सीन नहीं है गाइस, इस बार अंडरडॉग वाली सीन नहीं है गाइस। इस बार आपको एकदम भरा पूरा बढ़िया सिस्टम मिलेगा गाइस, बढ़िया। तुम देख के ऐसा हुट करोगे हाइड्रा 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 हाइड्रा, भाई कसम से गाइस फिंगर्स क्रॉस्ड जो सब चीजें होंगी मजा आएगा गाइस आपको, जो मतलब आपकी आंखों के लिए डिलाइट होगा देखने के लिए हाइड्रा। एंड गाइस नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रहा है गाइस नियो की तरफ से। एंड गाइस नियो ने बताया गाइस सोल जोनाथन हो सकता है नहीं, एंड गाइस सोल ओमेगा गॉडल ओमेगा हो सकता है नहीं, उस चीज के बारे में बात करते हुए गाइस बताया। एंड गाइस पूरा वीडियो देखे गाइस। ओमेगा होना मतलब कैसे पता गाइस कि सोल जोनाथन हो गया, समझ रहे? दिस सम थिंग्स आर नेवर गोना हैपन, इट्स इम्पॉसिबल एंड वी डोंट वांट इट टू हैपन, होना भी नहीं चाहिए। क्या तुमको अच्छा लगेगा कभी सोल जोनाथन हो जाए क्या? एंड गाइस नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रहा है गाइस स्काउट वर्सेस नियो के तरफ से। एंड गाइस इसका नियो ने क्या कहा गाइस स्काउट के बारे में। एंड गाइस शैडो एंड सबके मैटर को एक्सप्लेन करते हुए गाइस नियो ने क्या कहा गाइस पूरा वीडियो देखें। एंड वीडियो अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब कर देना गाइस, प्लीज प्लीज। एंड गाइस देखें वीडियो। किसने कुछ बोला? हाय रे भगवान, कब सुधरने को, मैं भी सुधर जाऊं, फिर लोग हमको कुत्ता कहते हैं। कितना आयरनी है, कुत्ता हमको कहते हैं पर भौंकते खुद है, आयरनी है कि नहीं? स्काउट इज आल्सो अ नाइस गाय बट वो थोड़ा ट्रिगर हो जाता है चैट पढ़ के, बेंचो मेरे को भी ट्रिगर करो भाई, लाइक ही गेट्स ट्रिगर्ड एंड देन ही सेज मैं क्या कर सकता हूँ, चैट वाले आके हेड। अरे बट चैट वाले आके क्या, चैट में जो तेरे को हेड दे रहे आके, क्या उसके नाम के आगे गॉडल है? तू चैट वाले को भरना, तू हमको क्यों भर दे रहे हैं बोल के कि हम लोग
सेकंड पेज आ रहे हम लोग, ये आ रहे ब्रो, पूरा आयरनी है ये। आ तुम भी रहे हो, फर्क इतना है कि हम कुछ नहीं बोल रहे और तू बोल रहा है, और तू बोलने के बाद बोल रहा है कि मेरे को क्या है मेरे को। अरे तू मत बोलना, पूरा बोल दे, आप बोल ही रहे तो पूरा ही बोल दे। तो आधा अधूरा बोल के फिर तू छोड़ दे रहा है। तू शैडो के टाइम पे भी बोला, तू उसके पहले भी बोला, फिर तू अभी, तू क्या सीन तू भाई? मैं तो तेरा कभी नाम नहीं लेता मेरे स्ट्रीम पे जाके, ना तू भी नहीं लेता, सही बात है, बट तू डायरेक्ट गॉड लाइक का ही नाम ले लेता है। तो मत ये सब मत कर ब्रो, तू भी खेल हम लोग। देख 3 महीना तो कम से कम जान दे, 3 महीने के बाद फिर हर बार नहीं होता कि तेरे को जो लोग हेट दे आके, शायद ऐसा भी हो सकता, या ग्रुप ऑफ बंदे रहेंगे एक दिन बैठे वाली ले दबा के, फिर आए घर पे डांस वांस किए, डांस करने के बाद बोलते अब लौड़ा बोर हो रहा है, बोलते हैं चल किसी, अपने तो लाइफ बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, चल किसी की, फिर वो खुलता, बोलते हैं ये स्काउट बहुत जल्दी ट्रिगर होते हैं, स्काउट को ट्रिगर करते हैं, स्काउट किसके नाम से ट्रिगर, हाँ ये गॉडेल विडेल के नाम से थोड़ा हिट देते हैं इसको, लाइट ट्रिगर हो, फिर स्काउट हो गया ट्रिगर, फिर वो 2 पैग और मारते, बोलते लौड़ा अपने को जो करना था वो कर दिया। तो वही मैं बोल रहा कि तेरे को कहीं से बताओ गॉडेल के फैंसी है, वो तो कोई भी हो सकते हैं, वाइड्रा के फैंस हो सकते हैं, ब्लाइंड के फैंस हो सकते हैं, या तो तूने किसी की गांड मारी रहेगी सही में पर्सनल में, वो उसके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं ना, तू अज्यूम क्यों कर रहा है वो हमारे फैंस है, और हर बार तू यार अज्यूम करे गाली। नहीं मत प्लीज, हैशटैग नो हेट, स्काउट ओपी कर दो, ही इज अ नाइस गाय, बोला मैं मतलब अच्छा बंदा है वो, ठीक है, बट क्या हो जाता है उसको सब, मैं भी सीख चुका हूँ कि डायरेक्ट नाम लेके गाली दे दो हक्का साथ। तो एक बार स्काउट ओपी कर दो चैट, आई नो हेट, नो पर्सनल ग्रजेस फॉर दैट, इज अ स्वीट बॉय, मस्त, बहुत सक्सेसफुल है, सही है, सब सही है, अच्छा बंदा है रियल लाइफ में भी, जस्ट डाउन टू अर्थ गाय, लाइक दैट शिट, स्काउट ओपी इन द चैट गाइस, प्लीज प्लीज, नो हेट नो हेट, सोलो पे भी कर दो क्या, कोई कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ये मत स्पैम करो, मैं नहीं प्रमोट कर रहा हूँ ये, अगर कोई न्यूज चैनल वाला है यहाँ पे देख रहा है, मैंने बोला स्काउट ओपी करो, ये समझा तू स्काउट की, अपन ऑडियंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने मन मर्जी के मालिक है, उनको जो उनके हाथ में फोन, उनको जो लिखना है वो लिखेंगे, मैं क्या कर सकता उसमें, मैं उनका हाथ पकड़ के नहीं, मैं बोल रहा स्काउट ओपी करो, ये समझा तू स्काउट की, अपन ऑडियंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने मन मर्जी के मालिक है, उनको जो उनके हाथ में फोन, उनको जो लिखना है वो लिखेंगे, मैं क्या कर सकता उसमें, मैं उनका हाथ पकड़ के नहीं, मैं बोल रहा हूँ मत भाई, बस ये रिक्वेस्ट है कि यार हमको तुमसे कुछ नहीं है, तो आपको भी हमसे कुछ नहीं रहना चाहिए। तो वैसे एक बंदा हेड दे रहा है चैट में, तो तुम उसको भरो ना, पूरे फैन बेस को ही क्यों बोलते हैं कि गॉडल के फैन बेस, तू ऐसा अकेला कर रहा है, तो मैं थोड़ी बोल सकता कि गुल्ली भाई खराब है, बोल सकता है गुल्ली भाई अच्छे है, इनसे मेरी बात भी हुई अभी रिसेंट, वो अच्छे हैं, वो तुझे समझाते भी है, इफ आई सेड समथिंग रॉन्ग एंड इट ऑफेंडेड यू सो आई एम सॉरी, बट ऐसा नहीं है मेरे को तेरे लिए कुछ नहीं है, तेरे को भी मेरे लिए। एंड गाइस आज के लिए इतना काफी, एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय गाइस।